आज के हम इस वीडियो में देखेंगे इन्वेंटरी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो इन्वेंटरी में हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इन्वेंटरी में हम जो यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो है स्टॉक ग्रुप, गोडाउन और यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टेली पे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए मास्टर्स, यहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी क्रिएट, तो कंपनी ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर के अल्टर के क्रिएट करके अल्टर पे जाके क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है। तो कंपनी जब क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद इन्वेंटरी रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है उसको इनेबल करने के लिए आप अकाउंटिंग और इन्वेंटरी और इसका ऑप्शन इनेबल करने के लिए F11 को आप प्रेस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे F11 को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटेन अकाउंट यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री यस, और इन्वेंटरी मेंटेन इन्वेंटरी यस, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंटरी यस, ये चारों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट को यस, इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस, इन्वेंटरी मेंटेन इन्वेंटरी को यस, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंटरी इसको यस, आपको इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है टैक्सेशन, इनेबल GST, तो इसको हम अभी नो रखते हैं। GST का जो टॉपिक है वो हम बाद में इसको कवर करेंगे। तो ये जैसे कि मेरा यहाँ पे ये मैंने ऑप्शन को इनेबल कर रखा है। अब बैक आते हैं, एस्केप दबा के बैक आ जाइए। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है ग्रुप, तो ग्रुप कर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली पे जाना है, फिर मास्टर्स, जैसे कि ये गेटवे ऑफ टेली, मास्टर्स में क्रिएट, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में, यहाँ पे आपको क्रिएट और इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो नेम ऑफ द ग्रुप, यहाँ पे नेम में हम क्या देंगे, स्टॉक ग्रुप का नेम रखेंगे सिस्टम SYSTEM सिस्टम, और इसको रखते हैं प्राइमरी में और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट्स PARTS पार्ट्स, इसको भी रखते हैं प्राइमरी में, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है मदरबोर्ड्स MOTH या मदरबोर्ड ये आएगा अंडर ग्रुप पार्ट्स में, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसको भी सेव पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आएगा CD ROM ये आएगा पार्ट्स पे, और इसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आएगा 8 स्पीड EIGHT 8 स्पीड, ये भी आएगा पार्ट्स में, सॉरी ये आएगा CD ROM में, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आएगा 10 स्पीड, ये भी आएगा CD ग्रुप में 10 स्पीड, इसका अंदर होगा CD ROM, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा सॉफ्टवेयर, ये आएगा अंडर ग्रुप प्राइमरी में, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा SCE, ये आएगा सॉफ्टवेयर ग्रुप में, सॉफ्टवेयर अंडर सॉफ्टवेयर में, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा किंग, ये भी आएगा अंडर सॉफ्टवेयर में, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट आएगा क्वीन, ये भी आएगा अंडर ग्रुप सॉफ्टवेयर में, और इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप ग्रुप को, स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्रिएट गोडाउन एंड लोकेशन। अब गोडाउन लोकेशन के लिए आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और इन्वेंटरी मास्टर्स में आपको नीचे देखने को मिलेगा गोडाउन ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गोडाउन पे
क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो गोडाउन को हम लोग रखते हैं, न्यू गोडाउन को क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। तो ऑन साइड में रखते हैं प्राइमरी ग्रुप में, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेयरहाउस इसको भी रखते हैं प्राइमरी ग्रुप में, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यूनिट, तो यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंटरी मास्टर्स में यूनिट का ही ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। टाइप रहेगा सिंपल, सिंबल रहेगा नोस, फॉर्मल नेम नंबर्स और प्लेस ऑफ डेसिमल उसको हम जीरो रखते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे करके आप स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन और लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं और यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।